नमस्कार शर्मा जी, इन्फिनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं उसका नाम है धड़क। जी या धड़क धड़क वो वाला नहीं, सिर्फ धड़क नाम है। और ये फिल्म बताया जा रहा है कि सैराट मराठी फिल्म की रीमेक है। सैराट जो क्रिटिकली अक्लेम काफ़ी फिल्म थी, लेकिन मैंने जो है वो सैराट नहीं देखी है और ना ही ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है, तो मैं इसको यहाँ पर सिर्फ धड़क का ही रिव्यू करने वाला हूँ, यानी कि उसी स्टोरी को, उसी एक्टिंग को उसी के ऊपर करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले, अगर आपको छुट्टियों में थोड़ी सी लाइट कॉमेडी देखनी है और देखना है ये कि क्या श्रीदेवी की झलक जाह्नवी के अंदर आ पाती है या नहीं, तो वो आप ज़रूर से जाकर देखिएगा। बहुत बहुत सारे सीन्स या क्लोजअप ऐसे हैं जहाँ पर आपको श्रीदेवी की झलक देखने को मिलेगी। जाह्नवी कपूर थोड़ी यहाँ पर मैच्योर एक्टर लग रही हैं कंपैरेटिवली ईशान खट्टर जो भी है भाई साहब, ठीक है, तो ईशान के अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा यहाँ पर सदी हुई एक्टर लग रही हैं यहाँ पर इसके अंदर। ईशान थोड़ा सा प्री मैच्योर लग रहे हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जस्टिस कर दिया उन्होंने अपने उसको, किसको, एक्टिंग को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेवाड़ी भाषा की, जो राजस्थान का प्लॉट उन्होंने लिया उदयपुर वाला, और हाँ, अगर आपने उदयपुर नहीं देखा है तो इस मूवी में आपको जो काफ़ी सारी चीज़ें ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगी उदयपुर की, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। कुछ झलक आपको मिलेगी यहाँ पर कोलकाता की भी देखने की, ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी आपको। तो ओवरऑल जो मूवी है वो देखने लायक है, वन टाइम आप देख सकते हो, लेकिन जो एंड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है और आपको पता भी नहीं लगता कि कब जो है वो एंड होगी मूवी। तो बस जो एंड थी वो मुझे बड़ा शॉक में छोड़ के गई थी, इसीलिए मैं आप जो सोच नहीं पा रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। कॉमेडी पार्ट यहाँ पर अच्छा है, जो ईशान के दोस्त हैं दो, छोटू लंबू और पतलू, लंबू और छोटू, छोटू जो है बड़ा मैच्योर एक्टर है और उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। और जो यहाँ पर आशुतोष राणा का कैरेक्टर है, जो उनकी इमेज बनाई गई है, हालांकि आशुतोष राणा मोस्टली नेगेटिव रोल ही करते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना नेगेटिव रोल किया है और उनकी कलाकारी बढ़िया है। फिल्म में ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, कुछ यहाँ पर कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर यहाँ पर है, वो है, अगर आपने कहानी फिल्म देखी होगी, जिसमें वो मोटा सा इंस्पेक्टर होता है जो विद्या बाबजी करता रहता है, वो भी यहाँ पर है। तो कुछ कैरेक्टर मिलेंगे आपको देखने को, तो कलकत्ता की उदयपुर की झलक इसमें आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो है वो एक ठीक ठाक सी मूवी है, बस यही कहानी थी मेरी 3 मिनट के अंदर। एक्टिंग वैक्टिंग ठीक है पहली मूवी के हिसाब से, जिस तरह से करण जौहर करते हैं कि वो लॉन्च करते हैं काफ़ी लोगों को, तो उन्होंने यहाँ पर इन दोनों को भी लॉन्च कर दिया है। अगली मूवी देखेंगे कैसी होगी, लेकिन अभी के लिए आप इसको देख सकते हैं, मेरी तरफ से 3 स्टार है देखने के लिए एक बार ज़रूर से। बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद होगी, क्योंकि मैं जो है वो कोई प्रोफेशनल तरह के रिव्यू नहीं करता हूँ, मेरी जो फीलिंग होती है मैं वही बताता हूँ कि मुझे मूवी देख करके कैसी लगी। कॉमेडी है, लोकेशंस हैं और एंडिंग बड़ी शॉकिंग है, और आप देखोगे मूवी तभी आपको पता लगेगा कि वो क्यों है और इंडिया में ऐसे होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको पता लगते रहे कि हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक हम जाने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 फॉलआउट वाली, या फिर साहिब बीबी और गैंगस्टर 3। तो बताइएगा, आप एक पोल दे रहा हूं ऊपर कि दोनों में से कौन सी मूवी का रिव्यू आपको देखना है पहले। इस वीडियो में इतना ही, आप बने हमारे साथ, भारत माता की जय।